साथियों राहुल जी सी सी छोड़ कर आए हैं अभी आपको संबोधित करेंगे राहुल जी देखिए आ रहा फेस दिखा देता हूँ। इसको इसको अच्छी तरह देखिए ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन इसमें अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइस राइज। लंबी कहानी है पहले हमने बीस हजार करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था यह पैसा किसका है कहां से आया अब पता लगता है बीस हजार करोड़ का फिगर गलत था उसमें बारह हजार करोड़ और ऐड हो गए हैं तो अब टोटल फिगर बत्तीस हजार करोड़ का हो गया है अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है डबल हो जाता है ऐसे तकरीबन बारह हजार करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है कैसे कोल प्राइस को गलत दिखाकर ओवर इनवॉइस करके यहां पे बिजली के दाम को बढ़ाकर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बिजली की सब्सिडी दी है मध्य प्रदेश में हम देने जा रहे हैं अब पता लगता है कि इसका कारण अदानी जी है तो हिंदुस्तान के नागरिकों को यह समझना है कि जो आपका बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है इसमें से बारह हजार करोड़ रुपए आपकी जेब में से सीधा अदानी जी ने लिए हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं ये दुनिया का एक सबसे जरूरी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर फाइनेंशियल टाइम्स लंदन कह रहा है अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्टोरी आती है मगर हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती बिजली का मामला है गरीबों का मामला है सीधी चोरी का मामला है मगर हिंदुस्तान में किसी भी अखबार को किसी भी मीडिया चैनल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है देर इज ए स्टोरी इन द फाइनेंशियल टाइम्स वन ऑफ द प्री एमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज पेपर्स इन द वर्ल्ड वेर दे आर क्लियरली स्टेटिंग दैट अदानी एंड द मिस्टीरियस कोल प्राइसिस मिस्टर अदानी बाइज कोल इन इंडोनेशिया एंड बाय द टाइम द कोल अराइव इन इंडिया इट्स प्राइस डबल्स एंड ही हैज टेकन अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व थाउजेंड करोर्स फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ द पुअरेस्ट पीपल इन इंडिया आवर इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेज आर गोइंग अप बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अदानी जी ओवर इन्वॉइसिंग uh, करते हैं पैसा गरीबों की जेब से लेते हैं टेक्स मनी फ्रॉम द पुअरेस्ट पीपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू मी द फाइनेंशियल टाइम्स हैज अज स्टोरी दिस स्टोरी वुड ब्रिंग डाउन एनी गवर्नमेंट दिस इज डायरेक्ट थेफ्ट बाय अ मैन हु प्रोटेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन By the Prime Minister of India. And the surprising thing is, not a single Indian newspaper is interested in picking up this story. Not a single media channel is interested in picking up this story. We are giving electricity subsidies in Karnataka in Madhya Pradesh. And while we are giving electricity subsidies, Mr. Dhani is over invoicing coal and stealing directly from the people of india and i don't understand why the prime minister doesn't comment on this this cannot happen without the protection of the prime minister of india it is impossible so the question is why is there no action being taken on this gentleman now i have a cc meeting so if you have a couple of questions on this topic because i would uh, like you not to distract from this topic. So if you have a couple of questions in this topic, I'm happy to answer them. Hello. बिल्कुल नहीं हुई सर आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसमें रोज एक नई कहानी जुड़ जाती है हर हफ्ते दस दिन पर सेबी भी जांच कर रही है और आप लोग लगातार जेपीसी की मांग कर रहे हैं तो आपको लगता है कि सेबी की जांच से कोई नतीजा निकलेगा या कुछ और आप जेपीसी से ही लगातार आप सेबी ने सरकार को कहा कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं सेबी सरकार के से कहती है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। मगर इन लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए और हमारी यहां पर सेबी कह रही है हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं तो साफ मामला है लेवल ऑफ गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन है बत्तीस हजार करोड़ रुपए, क्लियरली प्रूवन है इसमें मतलब ये प्रूफ है इसमें ये मतलब ऐसे नहीं बोल रहे हैं सारा डॉक्यूमेंटेशन है इनके पास मगर कोई एक्शन नहीं और इस बार तो हिंदुस्तान की जनता की जेब से चोरी किया जा रहा है बिजली बिल जवाब जब आप पंखा चलाते हो गरीब लोग पंखा चलाते हैं ट्यूबलाइट चलाते हैं तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो जैसे ही आप बटन दबाते हो यह जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है और करवा कौन रहा है अदानी जी की रक्षा कौन कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो याद रखिए हिंदुस्तान का युवा अब याद रखिए जैसे ही आप स्विच दबाते हो चाहे वो बल्ब हो पंखा हो बिजली का पंप हो याद रखिए अदानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अदानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं बत्तीस हजार करोड़ रुपए तो हमने दिखा दिया है पता नहीं और कितना है को राहुल जी आप लोग उठाएंगे नहीं हम हम उठा रहे हैं और यह मसला सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं यह मसला अब फाइनेंशियल टाइम्स ने उठाया है अलग अलग देशों में इंक्वायरी हो रही है लोग सवाल पूछ रहे हैं मगर हिंदुस्तान में कुछ नहीं हो रहा हिंदुस्तान में बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया हुआ है अदानी जी को जो भी वो चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर पोर्ट्स एयरपोर्ट्स एग्रीकल्चर जो भी वो करना चाहते हैं कर सकते हैं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा भाई और बहनों 32,000 करोड़ रुपए यह नंबर आप याद रखिए और आस्ते आस्ते यह बढ़ता जाएगा क्योंकि ये आखिरी कहानी नहीं है ऐसी बहुत और आएंगी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और याद रखिए जब आप बिजली का प्रयोग करते हैं अदानी जी ओवर इनवॉइसिंग करके आपके जेब में से पैसा निकाल रहे हैं हर यूनिट में आपसे पैसा लिया जा रहा है और मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं भाइयों और बहनों युवाओं प्रधानमंत्री अदानी जी की इंक्वायरी क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बार नहीं अनेक बार सवाल उठे हैं हमने पार्लियामेंट में बात उठाई पब्लिक मीटिंग्स में हम कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कहते हैं अदानी जी में क्या बात है कि हिंदुस्तान की सरकार उन पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकती उन पर कोई सवाल नहीं पूछ सकती इसका कारण क्या है इसके पीछे कौन सी शक्ति है पूरा देश जानता है Rahul ji, you've said, you've said uh, that the cost of power given to common consumers is being hiked because of over invoicing of coal imports. Now no, I have not said it. A uh, newspaper called the Financial okay, Times. Okay. You quoting uh, the Financial newspaper. Times yeah. has said it. I am just saying what they've said. So what I want to ask you is that since some of the state governments are subsidising by, uh, you know, subsidising power to common people. Now, would these states be initiating some kind of probe? Because some of them are ruled by the Congress. Would you initiate, would you, I mean, recommend that, that, that these? That's, that's, an interesting, that's an interesting idea. Uh, that's an interesting idea. Uh, mm -hmm. We'll look into it. Yeah. राहुल जी आपने लगातार आप पीएम से सवाल पूछते हैं कि अदानी में ऐसा क्या है कि उनकी जांच नहीं करवाई जाती शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है शरद पवार बार बार अदानी मैंने, मैंने मिलते उनसे, उनसे, इस पर आपकी क्या राय है मैंने मैंने उनसे यह सवाल नहीं पूछा है शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी मिस्टर मोदी इज

नहीं देखिए असर हो रहा है क्योंकि जो प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है और सारे लोग जानते हैं हिंदुस्तान के लोग सब जानते हैं कि जो अदानी जी की मदद की जा रही है जो उनका उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता ये गांव गांव में लोगों को मालूम है और गांव गांव में लोगों को मालूम है कि अदानी जी ने भ्रष्टाचार किया है चोरी की है यहां पे ओवर इन्वॉइसिंग की है बीस हजार करोड़ रुपए का मामला उठाए पूरा देश जानता है तो मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं उनसे कह रहा हूं आप सफाई दे दीजिए कम क्लीन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी बट प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते क्योंकि शायद कोई और कारण है मैंने सवाल पूछा था पता नहीं है किसका पैसा है बीस हजार करोड़ रुपए बारह हजार करोड़ रुपए शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है शायद ये किसी और का है ये भी हो सकता है आखिरी सवाल, जेपीसी आप कई सालों से डिमांड कर रहे हैं जेपीसी तो गठित हुआ नहीं चौबीस का चुनाव बिल्कुल नजदीक है अगर सरकार बनाने का मौका आपको मिलता है अडानी तब भी देश में व्यापार करेंगे क्या राहुल गांधी जांच करवाएंगे अडानी का बिल्कुल करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे बिल्कुल करवाएंगे ये देखिए ये अडानी जी की बात नहीं है ये बत्तीस हजार करोड़ रुपए हिंदुस्तान की जनता से चोरी किया गया है इशू वो है और कोई भी बत्तीस करोड़ रुपए चोरी करेगा उसकी इंक्वायरी होगी क्यों नहीं होगी thank you very much thank you, thank you.